नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों फाइनली आरआरबी भोपाल के ऑफिशियल वेबसाइट में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटर्न का रिजल्ट जो है जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जिन सभी कैंडिडेट ने आरआरबी भोपाल से आपके लिए अप्लाई किया है उन सभी कैंडिडेट को दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आया है। आरआरबी भोपाल के ऑफिशियल वेबसाइट में जिन सभी कैंडिडेट ने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए सिलेक्शन लिया है उन सभी कैंडिडेट का रोल नंबर का लिस्ट यहाँ पे जारी कर दिया है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे लेवल वाइज कितना काट ऑफ गया है वो भी यहाँ पे जारी कर दिया है, और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपका स्कोर कार्ड जो है वो भी अपडेट कर दिया है, और यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन जो है एनटीपीसी सीबीटी रिजल्ट को लेकर एक नोटिस भी जारी किया है आरआरबी भोपाल के ऑफिशियल वेबसाइट में। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे जो भी यहाँ पे अपडेट आया है आरआरबी भोपाल के ऑफिशियल वेबसाइट में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे और टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में आरआरबी रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अभी आरआरबी भोपाल के ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ। जैसे आप आरआरबी भोपाल के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं CEN01 2019 CBT1 रिजल्ट शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकंड स्टेज CBT ऑन द बेसिस ऑफ फास्टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करें यहाँ पे लेवल 2 पोस्ट के लिए जिन सभी कैंडिडेट ने सिलेक्शन लिया है उन सभी कैंडिडेट का लिस्ट जो यहाँ पे जारी कर दिया है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगर आपने लेवल 3 के लिए अप्लाई किया तो लेवल 3 पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके पास जिन सभी कैंडिडेट ने लेवल 3 के लिए सिलेक्शन लिया है उन सभी कैंडिडेट का लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो तो जिन सभी कैंडिडेट ने सिलेक्शन लिया है लेवल 2 पोस्ट के लिए उन सभी कैंडिडेट का लिस्ट जो है रोल नंबर का लिस्ट यहाँ पे दोस्तों जारी कर दिया है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे अगर आप अपना स्कोर कार्ड चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CEN01 2019 NTPC क्लिक है फॉर NTPC CBT1 स्कोर कार्ड। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने और एक पेज जो यहाँ पे दोस्तों ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों बताया कि द स्कोर कार्ड विल बी अवेलेबल शॉर्टली, यानी कि बहुत ही जल्दी जो है आरआरबी भोपाल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप स्कोर कार्ड चेक कर पाएंगे, अभी अवेलेबल नहीं किया गया है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे एक नोटिस भी जारी किया गया है जो आरआरबी एनटीपीसी CBT1 रिजल्ट को लेकर जो क्लैरिफिकेशन दी गई है आरआरबी की तरफ से। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों आपके सामने एक PDF जो है ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रेलवे क्लैरिफिकेशन ऑन द NTPC CBT1 रिजल्ट। अटेंशन ऑफ द रेलवे हैज बीन ड्रॉन टू द कंसर्न रेज बाय सम कैंडिडेट ओवर द प्रोसेस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द सेकंड स्टेज ऑफ ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन अंडर आरआरबी सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN01 2019 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट रिजल्ट ऑफ व्हिच वर अनाउंस्ड ऑन 14/1/2022। इन दिस कनेक्शन इट इज रीइटेटेड दैट द प्रोसीड्योर फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैड ऑलरेडी बीन गिवन एलाबोरेटली अंडर पैरा 13 ऑफ द ओरिजिनल नोटिफिकेशन CEN01 2019 पब्लिश ऑन 28/2/2019। इन दिस एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 13 कैटेगरी वेयर एडवर्टाइज व्हिच वेयर ओपन टू ग्रेजुएट एंड 6 दिस ऑफ अंडर ग्रेजुएट दिस 13 कैटेगरी वेयर सीग्रेटेड इनटू 5 ग्रुप्स बेस्ड ऑन 7 CPC पे स्केल लेवल लाइक लेवल 2 3 4 5 एंड 6 एंड द स्टेज वाइज प्रोसीड्योर ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर द ईच कैटेगरी हैज ऑलरेडी बीन इंडिकेटेड अर्ली इन पैरा 13.6 ऑफ CEN। एवरी कैंडिडेट वाज फ्री टू ऑप्ट फॉर ऑल एनी ऑफ दिस 13 कैटेगरी सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी। यानी कि यहाँ पे जो भी आपका नोटिफिकेशन में दिया गया था आरआरबी की तरफ से बताया जा रहा है कि CEN01 2019 का जो नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन में जो भी बताया गया था 13 पैरा नंबर 13 में, तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे रिजल्ट जारी किया गया है। व्हाइल द फास्ट स्टेज CBT वाज कॉमन एग्जामिनेशन फॉर ऑल द कैंडिडेट पैरा 13.2 ऑफ द नोटिफिकेशन क्लियरली स्टेट दैट द सेकंड स्टेज CBT देयर वुड बी ए सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर ईच ग्रुप, यानी कि लेवल 2, 3, 4, 5, 6 के लिए अलग अलग एग्जाम होगा। तो इसीलिए दोस्तों जो है अलग अलग लेवल के लिए यहाँ पे दोस्तों जो है रिजल्ट जारी किया है विथ डिफरेंट ग्रेड लेवल ऑफ डिफिकल्टी अकॉर्डिंगली ऑल पोस्ट फॉलिंग विथ इन द सेम लेवल सेल हैव ए कॉमन सेकेंड स्टेज CBT। देयरफॉर इफ ए कैंडिडेट इज एलिजिबल एंड हैज ऑप्टेड फॉर मोर देन वन लेवल एज पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही और सी हेल्प विल हैव टू अपेयर इन द कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंड स्टेज CBT फॉर ईच लेवल एज गिवन इन द पैरा 13.6। यानी कि दोस्तों अगर कोई कैंडिडेट सभी लेवल के लिए अप्लाई किया, अगर कोई ग्रेजुएट कैंडिडेट जो सभी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो वो सभी पोस्ट के लिए एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि वो लेवल 2, 3, 4, 5 एंड 6 के लिए एग्जाम दे सकता है। उसके बाद दोस्तों बताया सिंस द स्टैंडर्ड डिफिकल्टी लेवल फॉर ईच ग्रुप ऑफ पोस्ट विल बी डिफाइंड, यानी कि लेवल 2 के लिए एग्जाम का जो स्टैंडर्ड होगा वो अलग होगा
लेवल 3 के लिए अलग होगा, लेवल 4 के लिए अलग होगा, लेवल 5 और 6 के लिए अलग अलग होगा। इट इज ऑल्सो ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ कैंडिडेट दैट एज पर प्रोविजन द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर एनटीपीसी सेकंड स्टेज एग्जाम इज ओनली 10 टाइम्स द नंबर ऑफ अप्रूव्ड वैकेंसी। दिस नंबर ऑफ कॉलिंग 10 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी वाज इंक्रीज टू 20 टाइम्स। यानी कि यहाँ पे जो वैकेंसी जो भी आपका दिया गया था उसका 20 टाइम्स कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया है। द नंबर ऑफ वैकेंसी इन सी एन 2019 टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट व्हेन शॉर्टलिस्टिंग इज डन अक्रॉस लेवल एंड एंश्योरिंग मेरिटोरियस कैंडिडेट आर नॉट डिनाइड एन अपॉर्चुनिटी। हेंस टू कवर ए रीजनेबल नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेकंड स्टेज सीबीटी द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्टलिस्टेड हैज बीन केप्ट एट 20 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज वैकेंसी। यानी कि जो भी आपका कम्युनिटी वाइज वैकेंसी है एससी एसटी जनरल की, तो उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे जो है 20 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया गया सीबीटी 2 के लिए। पोस्ट नोटिफाइड बेस्ड ऑन द मेरिट इन द फर्स्ट स्टेज सीबीटी कम प्रेफरेंस ऑफ द पोस्ट। इन एडिशन व्हाइल एन एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर ईच सेपरेट कॉरेस्पॉन्डिंग सेकंड स्टेज सीबीटी एज पर हिज और हर एलिजिबिलिटी एंड ऑप्शन ही और सी विल बी सिलेक्टेड एंड फाइनल अपॉइंटमेंट विल बी अगेंस्ट वन पोस्ट वाली। यानी कि दोस्तों अगर कोई कैंडिडेट फाइनली सिलेक्टेड होता है दो या तीन पोस्ट के लिए, उसको एक ही पोस्ट तो मिलेगा, लेकिन दोस्तों वो सिलेक्ट हो सकता है। हेंस द इक्वेशन हेंस द क्वेश्चन ऑफ डिप्राइविंग एंड डिजर्विंग कैंडिडेट फ्रॉम सिलेक्शन डज नॉट अराइज। यानी कि दोस्तों कोई भी अगर कैंडिडेट ऐसा हो जो सपोज मान लीजिए कि फाइनल जो सिलेक्शन हुआ है वो दो पोस्ट के लिए सिलेक्टेड हो गया है, तो उसको एक पोस्ट तो मिलेगा, लेकिन दोस्तों वो दो पोस्ट के लिए सिलेक्ट भी हो सकता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनली जो है रेलवे की तरफ से क्लैरिफिकेशन दी गई है कि आपका जो भी यहाँ पे रिजल्ट जारी किया है वो आपका जो भी वैकेंसी था कैटेगरी वाइज उसके 20 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया गया है। और जो भी यहाँ पे 13 नंबर पैरा में बताया गया था कि आपका रिजल्ट जिस हिसाब से जारी किया जाएगा, यानी कि लेवल 2, 3, 4, 5 के हिसाब से जैसे आपका काट ऑफ आया है उस हिसाब से जारी किया जाएगा, उसी हिसाब से जारी किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी अपडेट था मैंने आपको बता दिया हूँ आरआरबी भोपाल के ऑफिशियल वेबसाइट में जो भी अपडेट आया है। और उसके साथ साथ दोस्तों जिन सभी कैंडिडेट लेवल 3 के लिए सिलेक्शन लिया है और लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 के लिए सिलेक्शन लिया है, उन सभी कैंडिडेट का लिस्ट जो है आप यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो। फिर भी दोस्तों अगर आपको मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट पर पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट पर जरूर रिप्लाई करूंगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही पल पल के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।